दस सालों से जो दिल्ली में दिख रहा है, ऑर्डिनेंस को लेकर नई राजनीतिक बहस है, इसको लेकर केजरीवाल साहब चेन्नई डीएमके पार्टी के मिनिस्टर चेन्नई। देखिए पहली चीज तो शीला जी के समय इसलिए टकराव नहीं था क्योंकि दोनों ये काम करती थी, बहाने नहीं ढूंढती थी। दूसरा, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो इनकी एकदम, जैसे आज प्रूव हो गया है, एकदम पुख्ता ईमानदार सरकारें थी, क्योंकि ये लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, इसलिए इसको ये चाहता कि विजिलेंस मेरे हाथ में आए, एंटी करप्शन मेरे हाथ में आए, क्योंकि वही एंटी करप्शन ने आज नकेल कस दी है इस मुख्यमंत्री की। और मैं इतने इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि बड़े बड़े नेता जिसके पास केजरीवाल जा रहे हैं वो यूनियन टेरिटरी और राज्य का मतलब ही नहीं समझते हैं भाई, अंतर ही नहीं समझते हैं। ये तो समझे आप कि यूनियन टेरिटरी को वो अधिकार नहीं है जो पूरे राज्य को हैं। जो व्यवस्था आज है दिल्ली में, और इसमें मैं ऑर्डिनेंस का समर्थन करता हूं क्योंकि मुझे लगता है ठीक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस की दिल्ली के व्यवस्था को नहीं पढ़ा था, लेकिन याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर आपको कानून में बदलाव करना है और सर्विसेज को रखना है तो आप कानून के तौर पर उसको बाय लॉ ले आइए, और वही भारत सरकार ने किया है। तो जितने भी विपक्ष के नेता इस समय इनके साथ खड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि दिल्ली की व्यवस्था और राज्यों जैसी नहीं है। और एक जो झूठ फैला रहा है ना केजरीवाल के, कल को छत्तीसगढ़ या राजस्थान के भी अधिकार ले लेंगे, भाई बेवकूफ़ी की बात करो यार, वो तो संविधान में लिखा हुआ क्या उनके अधिकार हैं। दिल्ली में जो संविधान में अधिकार थे वो यूनियन टेरिटरी के थे, उसके बाद उन अधिकारों को तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके चेंज किया गया है, उसी की ये री इंटरप्रिटेशन है। जो स्टेट छत्तीसगढ़ या राजस्थान की हालत है वो दिल्ली की नहीं है। एक बार फिर यही केजरीवाल महा झूठ बोल के अपनी जान बचाने के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए एक भ्रम फैला रहा है। अब तो दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों की नहीं है, देश के हर नागरिक का है, लेकिन केजरीवाल तो उन्हीं पार्टी से समर्थन मांग रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं। कांग्रेस से भी समर्थन मांगा है वो, डीएमके से, स्टालिन साहब से, तो और कहां से समर्थन मांगेंगे भाई, कहां से समर्थन मांगेंगे? जिनके कारण ये पले बड़े हुए, जिस पार्टी ने इनको धन संपत्ति दी, इतना बड़ा बनाया, आज उनके साथ उनकी नहीं बन रही है। क्योंकि दिक्कत केजरीवाल की क्या है कि केजरीवाल हर उस थाली में छेद करता है जहां से उसको भोजन मिलता है, हर उस व्यक्ति को धोखा देता है जिसने उसकी मदद की है, हर उस व्यक्ति को ही प्रताड़ित करता है जो उसका दोस्त या यार रहा। जब बीजेपी को उसने, उसको लगा कि अभी मुझे बीजेपी की जरूरत नहीं है, मैं खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो बीजेपी को लगा कि यार ये तो हमारी ग्रुप बी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं उछल कूद करने लगती है, तो ये इनके बीच में बखराव हुआ। बाकी ये ऑपरेशन के पास जाए नहीं जाए, देखिए एक बात तय हो गई है। आप देखिए इसने सबसे पहला काम क्या किया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, विजिलेंस के आदमी को बदला। क्यों भाई विजिलेंस क्यों, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि मालूम था विजिलेंस वाला आपके ऊपर, फाइलों के ऊपर बैठा हुआ है। और रात को जो बात आई कि दरवाजे खुले विजिलेंस विभाग की और फाइलें गायब हो गई, तो फाइलें कौन सी गायब हुई, कौन सी फाइलें गायब हुई? शिक्षा विभाग की फाइलें गायब हुई क्या? हेल्थ डिपार्टमेंट की फाइलें गायब हुई क्या? वही फाइलें गायब हुई जो इनके आलीशान, जो ये 100-150 करोड़ का घर है उसकी, और शराब घोटाले की। लेकिन अब तो बीजेपी साफ कह रही है कि जो भी विपक्ष की पार्टियां, जो नेता ऑर्डिनेंस के खिलाफ केजरीवाल के समर्थन में खड़ा होगा, ये साफ माना जाएगा कि वो भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार के साथ खड़ा होगा। नहीं देखिए ये तर्क सही नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जो है इसको एक संवैधानिक विषय बना के लोगों को समझा रहा है। और ठीक है, ज्यादातर हमारे नेता संविधान नहीं समझते हैं, तो इसलिए वो तो इसलिए साथ हो गए हैं क्योंकि ये एक एंटी बीजेपी फ्रंट बना रहा है। मेरे ख्याल से हम जैसे लोगों का और ये मीडिया की जिम्मेवारी है कि ये बताएं कि ये बात भ्रष्टाचार की नहीं है, ये बात दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था की है। देखिए मेरे हिसाब से ऑर्डिनेंस सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अपने शायद 94 या 95 पैराग्राफ नंबर में, मुझे ठीक से याद नहीं है, कि अगर भारत सरकार इस व्यवस्था को बदलना चाहती है तो अभी उसने प्रशासनिक आदेशों से बदला है, प्रशासनिक आदेशों की जगह उसको कानूनी तरीके से बदले, और वही भारत सरकार कर रही है। तो वो खिड़की भी सुप्रीम कोर्ट ने खोली है, ये बात केजरीवाल तो सुनेगा नहीं, क्योंकि केजरीवाल को मालूम है कि अगर विजिलेंस डिपार्टमेंट उसके पास नहीं आया और उसने अपने भ्रष्टाचार के जितने सबूत विजिलेंस डिपार्टमेंट में है उसको वहां से निकाल के जलाए नहीं, तो अब समय दूर नहीं है जब ये कम से कम 8-10 साल के लिए अंदर जाएगा।